यमुना किनारे और आरती स्थल का औचक निरीक्षण करने पहुंची मंडलायुक्त, मचा हड़कंप। यमुना किनारे और आरती स्थल का निरीक्षण करने के लिए अचानक से मंडलायुक्त आगरा ऋतु माहेश्वरी पहुंच गई। उनके आगमन की सूचना मिलते ही नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। यमुना किनारे को साफ सुथरा बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई, तो वहीं सिंचाई विभाग ने भी अपनी कवायदों को अमली जामा पहना दिया था, जिससे आगरा मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी को सब कुछ ठीक ठाक ही मिले। यमुना किनारे का निरीक्षण करने के बाद आगरा मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी यमुना किनारे स्थित आरती स्थल पर पहुंची। इस आरती घाट पर गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई, साथ ही इस घाट को स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। आगरा मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी का कहना है कि यमुना किनारे के साथ साथ यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की कवायद की जा रही है। यमुना नदी में जो नाले गिरते हैं उनका निरीक्षण किया गया है। यमुनानगर नदी में गिरने वाले काफी नालों को टेप किया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ नाले खुले हुए हैं जिन्हें टेप करने की योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वाटर पॉल्यूशन को रोकने के साथ साथ यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। आज नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण हुआ है, जल्दी इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार कराई जाएगी। यमुना नदी के दो क्षेत्रों में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको लेकर भी आगरा मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी सख्त नजर आई। उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र में जो भी निर्माण हो रहे हैं उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा हटवाया जा रहा है। इस संबंध में कल बैठक भी हुई थी और सभी अधीनस्थ और संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया गया है। पोया घाट दयालबाग को लेकर भी वार्ता हुई, तो उनका कहना था कि इस पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही राधा स्वामी द्वारा जो डूब क्षेत्र में निर्माण किया गया है उसको हटाया जाएगा। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके निरीक्षण आपने किया, स्वच्छता को लेकर किया है, आगामी त्योहारों को भी लेकर उसमें देखा जाए तो विसर्जन के आगे कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ तैयारियों का जायजा लिया जाए? आज आगरा जनपद के अधिकारियों के साथ यहाँ पे घाट का निरीक्षण किया गया और आगे भी अन्य ऐसे पॉइंट्स का किया जाए। उद्देश्य ये है कि यमुना नदी कैसे साफ स्वच्छ हो। अभी कुछ ड्रेन्स हैं जिनका फ्लो इसमें डिस्चार्ज अभी यमुना नदी में है, उनको कैसे टैप किया जाए। काफ़ी ड्रेन्स हैं जो टैप किए गए, लेकिन कुछ में अभी कार्य होना बाकी है। कैसे बेहतर तरीके से नदी की स्वच्छता सुनिश्चित की जाए, इसके अलावा कहीं पे अगर हम लोग घाट विकसित कर पाएँ टेम्प्ररी या परमानेंट तरीके पे, और साफ़ सफाई ओवरऑल शहर की और हमारी नदी की और शहर की जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। इन्हीं सब के उद्देश्य से आज सिंचाई विभाग और जल निगम की भी टीम है, और निरीक्षण के बाद हम लोग बैठक पर चर्चा भी करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे एक टाइम बाउंड मैनर में हमारी जो मेन रिवर यहाँ पे लगभग 300 किलोमीटर स्ट्रेच में यमुना नदी, उसको कैसे साफ किया जाए। और डूब क्षेत्र में कुछ निर्माण चिन्हित किए गए और लगातार पुलिस के सहयोग से उन पर कार्यवाही हो रही है। अभी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे निर्माण होने की अभी भी शिकायतें मिली हैं, तो उसमें कल ही बैठक में निर्देशित किया गया है ADA को, उसमें डिमोलिशन अभियान चलाएंगे। तो प्रयास ये रहेगा कि कम से कम नया कंस्ट्रक्शन कोई ना हो, और जो पुराने हो रखे हैं उनमें स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं कि कैसे उसको व्यवस्थित। मैम, यमुना में भैंसों में ना रही है, कई बार रोक लगाई गई है, लेकिन उसके उपरांत भी फिलहाल विजिट किया गया है। मैंने जैसा बताया क्या स्ट्रैटेजी रहेगी नियंत्रण करने की। मैम, ताजनगरी को तीसरा स्थान मिला है स्वच्छता में, अगले माह इसको पुरस्कृत भी किया जाना है इंदौर में राष्ट्रपति के माध्यम से, तो क्या कहेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट इसमें हो स्वच्छता को लेकर और बेहतर कार्य कैसे हो? आगरा को स्मार्ट सिटी में लगभग नेशनल लेवल पे 6 अवार्ड्स मिले हैं, और ये सारी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये नगर निगम और सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र। स्वच्छता में आगरा में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको बेहतर कर रहे हैं। गार्बेज के जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो अभी भी कुछ जगह बचे हुए हैं, उनको विलोपित करने की कार्यवाही चल रही है। कुछ ट्रांसफ़र स्टेशंस पे काम चल रहा है, टॉयलेट्स भी और बनाने पे प्रयास चल रहा है। प्रयास है कि इस साल के अंत तक और इसमें सुधार किया जाए, और जो ना केवल रैंकिंग के उद्देश्य से, शहरवासियों के उद्देश्य से भी अभी जहाँ शिकायतें मिलती हैं कि कूड़ा कहीं खुले में दिखता है, वो शिकायतें ना हो। उस साल के अंत तक कम से कम जो ओपन पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरह से क्लोज किया जाए, जो बड़े डस्टबिन्स हैं वो भी पूरी तरह से एलिमिनेट हो, इसकी तरफ प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग प्लांट भी एक अभी और लगना बाकी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं।
उपल नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।